गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग। देखो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का ही उपयोग दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए किया जाता है। दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जैसे दूर की वस्तु ना दिखाई दे या पास की वस्तु ना दिखाई दे, उसके लिए हम लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का ही उपयोग टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह में भी किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग आवर्धक लेंस के रूप में भी यूज करते हैं। देखा होगा आपने जो पाल्मिस्ट मतलब जो हाथ की रेखाएं देखने वाले होते हैं वे लोग, वो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। या जो घड़ी ठीक करने वाले होते हैं वे छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ उपयोग थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के। अब हम बात करते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जिस तरह दर्पण सूत्र था उसी प्रकार एक लेंस सूत्र भी, लेंस सूत्र भी होता है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में सिर्फ एक साइन का फर्क है। साइन का फर्क मतलब जो दर्पण सूत्र होता है उसका सूत्र था 1/f = 1/v + 1/u, ये यहाँ प्लस था। लेंस सूत्र जो होता है इसमें 1/f = 1/b - 1/u, ये लेंस सूत्र है। 1/f = 1/v - 1/u। v क्या है, पढ़ चुके हम, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, बिंब या वस्तु एक ही बात है। f क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। अब जो बातें दर्पण में हमने पढ़ी थी कि कौन सी प्लस लेनी है कौन सी माइनस लेनी है, वो इसमें भी लागू होगी। कौन कौन सी, जैसे मान लो ये लेंस है, इसका मुख्य अक्ष है, तो सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। अगर हम दूरी को राइट हैंड साइड में मतलब प्रकाश की दिशा में मापेंगे तो वो सारी प्लस में आएंगी, और अगर प्रकाश की उल्टी दिशा में अपोजिट साइड में हम मेजर करते हैं मापते हैं तो वो माइनस में ली जाएंगी। उत्तल लेंस जो होता है, जैसे ये उत्तल लेंस है, इसमें ज्यादातर प्रतिबिंब इस साइड राइट साइड में ही बनते हैं, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाएगी हमेशा प्लस में, और अवतल लेंस की फोकस दूरी को माइनस में लिया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी वो लेफ्ट साइड में आएगी, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी को माइनस में लिया जाता है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है लेंस सूत्र। 1/f, 1/f बराबर है 1/v - 1/u, ठीक। अब इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, वो हम करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आवर्धन की। आवर्धन देखो, कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वो निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पे कि वस्तु रखी कहाँ पे है। हम पढ़ चुके हैं उत्तल लेंस में, पढ़ चुके हैं वस्तु जब अनंत पे होती है, 2f1 पे होती है, 2f1 से परे होती है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो वस्तु की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, लेकिन आवर्धन से भी हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा कि बराबर बनेगा। आवर्धन का सूत्र जैसे दर्पण में पढ़ चुके हैं वही सूत्र इसमें आएगा। m, आवर्धन को m से दिखाते हैं। h - h क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। h - प्रतिबिंब की ऊंचाई और h वस्तु की ऊंचाई h - h, ये आवर्धन का सूत्र है।
आवर्धन का एक सूत्र मैंने बताया था एम बराबर है दर्पण में एम बराबर माइनस का वी बटे यू, ये बता रहा, लेकिन लेंस के केस में ये माइनस का नहीं आएगा, ये सीधा प्लस का आएगा, मतलब वी बटे यू। ठीक है, तो आवर्धन के दो सूत्र हो गए, ये भी आवर्धन का है, ये भी आवर्धन का है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं एच डैश बटे एच बराबर है वी बटे यू। ठीक है, अब आवर्धन, आवर्धन का मान अगर एक से अधिक है, हम पढ़ चुके हैं ये बात, हम ये बात पढ़ चुके हैं, अगर आवर्धन का मान एक से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, अगर आवर्धन का मान एक से कम है तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से कम होता है, अगर आवर्धन का मान एक आ जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब का साइज समान होता है। अगर बात करें उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में आवर्धन का मान एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, वो निर्भर करेगा कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। हम पढ़ चुके हैं, देखो हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, फिर हमने पढ़ा कि वस्तु अगर 2f1 पे है तो प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा और समान साइज का बनेगा, उस केस में आवर्धन आएगा एक। ठीक, और जब वस्तु, जब प्रतिबिंब छोटा बनता है उसमें उसमें आएगा एक से कम, और अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो उसमें आएगा एक से अधिक। लेकिन अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, इसलिए इसलिए आवर्धन का मान एक से कम आएगा, हमेशा ही एक से कम आएगा। क्यों? क्योंकि एच डैश की वैल्यू हमेशा एच से कम रहेगी, इसलिए अवतल लेंस में आवर्धन का मान एक से कम होता है। ठीक है भाई, तो ये था आवर्धन और ये आवर्धन का सूत्र। तो हमने पढ़ लिया लेंस सूत्र, एक बटा एफ बराबर है एक बटा वी माइनस एक बटा यू, ये लेंस सूत्र है। आवर्धन का सूत्र हो गया एम बराबर है एच डैश बटे एच बराबर वी बटा यू, ये आवर्धन का सूत्र है। अब इनके ऊपर आधारित कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। देखो इसमें ये दे रखा है, प्रॉब्लम है, कोई वस्तु अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लेंस कौन सा है, वो लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, ये लिखा होगा कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, ये क्यों देखना है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि फोकस दूरी प्लस में लेनी है कि माइनस में लेनी है। अब कोई वस्तु अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की दूरी दे दी, यू दे दिया, और हमें पता है कि वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो वो माइनस में आएगी, तो यू बराबर है माइनस 50 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, अवतल लेंस है तो माइनस में कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है, वो स्थिति मतलब वी निकालना है। अब वी निकालना है, वी तो हम लगाएंगे लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र में देखो, ये सूत्र हम तभी लगा सकते हैं, इसमें तीन वैल्यू है, तीन में से अगर हमें दो पता है तो हम तीसरी को निकाल सकते हैं, अब इसमें से हमें फोकस दूरी पता है और u भी पता है तो हम v को निकाल सकते हैं। रखो इसमें वैल्यू पुट करो u की और f की, 1/f, f की जगह माइनस 20 बराबर 1/v, v निकालना है, माइनस 1/, देखो u माइनस में है तो माइनस 50। अब 1/-20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/50, वी को एक साइड रखो इसको दूसरी साइड ले आओ, तो ये माइनस 1/20 ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 1/50 बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 का और 50 का एलसीएम,
कितना होगा 100 आ जाएगा, 100 एलसीएम इन दोनों का, 20 में से 100 माइनस 5 और ये आ जाएगा 50 × 2 बराबर है 1/20, मतलब माइनस सात बटे 100 बराबर है 1/20 और v बराबर है 100/7 आ जाएगा ये 14.3, मतलब बात करोगे सेंटीमीटर माइनस में माइनस पाएगा, मतलब माइनस में आने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड में बनेगा, प्रतिबिंब भी लेफ्ट साइड में बनेगा। और ये तो हम पढ़ भी चुके हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और उसी साइड बनता है जिस साइड वस्तु रखी होती है। तो एक ये स्थिति तो निकाल ली। अब प्रकृति को लेंस देख के पता चल सकती है कि ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और अगर इससे समझ में ना आए तो आवर्धन निकाल के देख लो, अगर आवर्धन का मान प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब हमेशा वह आभासी होता है, अगर आवर्धन का मान माइनस में आए तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो एम का सूत्र कहते हैं इसमें ऊंचाई तो दे रही रखी है, लेकिन एक होता है v/u, ठीक है v/u। अब v का मान अभी हमने निकाला था 14.3 माइनस का, और u का मान कितना आया, u का मान कितना आया दे रखा है -50। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m का मान जो भी आएगा वो आएगा प्लस में, और जब भी m का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान माइनस में आता है, ठीक, ये हो गया। अब आगे एक प्रश्न और दे रखा है इसने, एक प्रश्न और सोल्व कर लेते हैं हम। उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है एक दीवार से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कितनी दूरी पर लेंस से वस्तु रखी जाए कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब दीवार पर बने। देखो उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है और ये किसी दीवार से रखा हुआ है कितनी दूरी पे, 12 सेंटीमीटर दूरी पे, 12 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी दे रखी है कितने 10 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे फोकस दूरी दे रखे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस में ही आएगी क्योंकि उत्तल लेंस है, और वो कह रहा है कि इस लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब इस दीवार पे बने। इसका मतलब है ये प्रतिबिंब की दूरी है, दीवार पे बनने का मतलब क्या, दीवार की जो दूरी है वही प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये 12 सेंटीमीटर है तो यही प्रतिबिंब की दूरी है। तो दूरी वो दे रखा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में v ये आएगा प्लस में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कितनी दूरी पर, f दे दिया, v दे दिया, u निकालना है, u क्यों, उसने पूछा है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए जिससे उसका प्रतिबिंब इस दीवार पर बने, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगा मतलब वस्तु की दूरी निकालेंगे। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f, f का मान दे रखा 10, 1/v, v का मान दे रखा 12 माइनस 1/u, ठीक है। अब जो निकालना है उसको एक साइड रखो बाकी दूसरी साइड, 1/10 ये 12 इस साइड माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 1/u, दोनों का एलसीएम निकालो 60 10 6 12 5 60 माइनस का 5 बराबर है माइनस का 1/u, 6 में से 5 गया 1, 1/60 बराबर 1/60 बराबर 1/u माइनस का है, तो u बराबर क्या आ गया, इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या पलट दो सीधा, u बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, माइनस का आया क्योंकि हमें पता है वस्तु की दूरी हमेशा ही माइनस में आती है, इसलिए u देखो माइनस में सिंबल अपने आप आ गया इसमें। तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर पे, जब वस्तु को 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें उस दीवार पर प्राप्त होगा जो लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, ठीक है भाई। देखो
अब हम पढ़ते हैं लेंस की समता। लेंस की समता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। देखो लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करना या मोड़ना। तो कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है, कम मोड़ेगा या अधिक मोड़ेगा? तो जो ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता अधिक है, जो कम मोड़ेगा उसकी क्षमता कम है। मान लो ये लेंस है, इसमें से प्रकाश की किरण एक तो इतनी मुड़े, देखो ये एंगल, और एक इतनी मुड़े। इस लेंस ने इसको ज्यादा मोड़ दिया, यहाँ पे जो मुड़ी है ज्यादा मोड़ दिया है। और ये जो है, क्यों देखो सारे के सारे कोण, ये कोण ही जितना मुड़ा है, इसको नहीं मानते हम, अभिलंब के साथ वाला कोण मापते हैं। अगर हम अभिलंब डालेंगे तो पता चलेगा कितना मुड़ा है। तो ये देखो इसको कम मुड़ा है, अब ये गई, ये देखो कम बैंड हुई, अब ये ज्यादा बैंड होगी। तो अगर कोई लेंस प्रकाश की किरण को जितना ज्यादा मोड़ता है उसकी उतनी ही अधिक समता होती है। तो लेंस की समता का मतलब, लेंस की समता का मतलब क्या है, लेंस की समता मतलब होता है कि उसकी अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता। कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना अपसारित कर सकता है या कितना अभिसारित कर सकता है, उस क्षमता को बोलते हैं लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है पी बराबर है एक बटे एफ। एफ क्या है, फोकस दूरी। मतलब लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता अधिक होती है। देखो अगर लेंस छोटा है से तो इसकी क्षमता अधिक होगी, ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ेगा। एक ऐसा है, इसकी फोकस दूरी अधिक है, ये प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा। तो जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसकी क्षमता कम होती है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर है एक बटा F। P क्या है, लेंस की क्षमता, और F क्या है, फोकस दूरी। और इसका मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है, इसका डायोप्टर का डी ले लेंगे। तो जब भी हम लेंस की क्षमता निकालते हैं, जैसे हम दूरी को मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापेंगे और उसके पीछे डी लिखेंगे। जैसे 1.5 डी किसी लेंस की क्षमता है, 1.5 डी, डी मतलब डायोप्टर। ठीक है, इस सूत्र से तुम लेंस की क्षमता का मान निकाल सकते हो। मतलब लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कब होगी, देखो ये सूत्र है पी बराबर एक बटा एफ, और एफ फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लिया जाएगा। यहाँ पे डायोप्टर निकालने के लिए, लेंस की क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी को हमेशा ही मीटर में लिया जाएगा। तो इस सूत्र में P का मान एक कब आएगा, P का मान एक कब आएगा, जब एक बटे भी एक हो, एक काटेंगे तो एक आएगा, एक डायोप्टर। कब आया, जब नीचे एक है, तो फोकस दूरी जब एक होगी, एक क्या मीटर में लेना है, जब फोकस दूरी एक मीटर होगी तो लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होगी। मतलब कहने का, कोई लेंस जिसकी फोकस दूरी एक मीटर होती है उसकी क्षमता एक डायोप्टर होती है। ठीक है भाई, अब हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में आएगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में आएगी, तो उसकी पावर भी प्लस में आएगी, क्योंकि ये प्लस में ही हमेशा ही, तो पावर भी प्लस में ही आएगी। लेकिन जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में ली जाएगी, तो पावर भी माइनस में आएगी। ठीक है, तो पावर जितनी भी आती है, जैसे किसी लेंस की पावर एक है, किसी लेंस की पावर 2.5 है, किसी लेंस की पावर 3 है, ठीक है, -2.5 है, माइनस अगर लिखा है आगे तो समझ जाओ वो क्षमता अवतल लेंस की है। अगर माइनस लिखा, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में आती है, ये बात याद रखना। अगर बहुत सारे लेंस दिए गए हैं, जैसे किसी लेंस की क्षमता एक की प्लस एक है, एक की 2.5 है, एक की -3 है, ऐसे, तो इनकी कुल क्षमता क्या होगी, तो हम इनको सिंपली सीधा जोड़ेंगे। जैसे
प्लस वाला को जोड़ देंगे तो दो और एक गया तीन, 3.5 और माइनस तीन तो 0.5 आंसर आ गया। कुल समता उन लेंसों की कितनी आई, प्लस का 0.5, ठीक है। कोई लेंस है माइनस दो का फिर माइनस तीन का, कुल कितनी होगी माइनस पांच। कोई लेंस है जिनकी समता है 1.5, 2.5 या एक, तो इन इसकी कुल समता कितनी होगी, इनको जोड़ेंगे दो एक तीन, तीन एक चार और एक पांच, ठीक है भाई। तो इनकी कुल समता कितनी होगी पांच। सिंपली सीधा जोड़ दो बस, अगर कुल लेंस की समता निकालनी है तो। इसी चीज को अप्लाई किया जाता है जब स्पेक्स बनवाने के लिए जाते हैं, जब हम चश्मे का नंबर लेने के लिए जाते हैं या चश्मा बनवाने के लिए जाते हैं ना दुकान पे, तो चश्मे वाला इसी चीज को यूज करता है। मतलब वो पहले ऐसे कोई फ्रेम लगाएगा, उसके अंदर लेंस डाल के देखेगा पहले एक, फिर उसके आगे एक और, फिर मान लो एक और रखना पड़ जाए, फिर पूछेगा साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वो पहले उसका उसने एक लेंस रखा हुआ 0.5 जिसकी पावर है, उसने फिर एक और रख दिया जिसकी एक 1.5 है, ठीक है, फिर एक रख दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर उस टोटल कैलकुलेट करेगा, फिर वो जैसे दो और एक तीन, तो लिख देगा कि इस लेंस की क्षमता कितनी है तीन, ठीक है, प्लस में लिखेगा या फिर माइनस में लिखेगा। बात समझ आई। अगर माइनस में लिखेगा तो लेंस हमें लगवाना पड़ेगा अवतल वाला, अवतल लेंस, और प्लस में लिखेगा तो उत्तर लेंस, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो भाई ये हमने पढ़ लिया लेंस की क्षमता, आवर्धन और लेंस सूत्र, उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस करी। मैं एक वीडियो और बना दूंगा एक प्रॉब्लम से रिलेटेड जिसमें सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।